फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम पाठक डायरीज। तो देखिए मैं आपको फिर से किचन में ले आई हूँ। तो आपने मेरा वीडियो इसके पहले देखा ही होगा, काले चने मसाला। तो वो था लंच का, ये है लंच के बाद का। हमारा ब्रेकफास्ट लंच हो चुका है, तो मैं सोची कि चलो मैं अपने किचन में मसाले क्या यूज़ करती हूँ और कौन से मसाले अपने सब्जियों में डालती हूँ, तो सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। तो ये इवनिंग का टाइम है, अभी मेरे पास जीरा पाउडर है नहीं, तो मैंने सोचा चलो जीरा पाउडर मुझे बनाना है, तो मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और कुछ थोड़े बहुत मसाले हैं जो मैं खुद ही प्रिपेयर कर लेती हूँ घर में, ताकि वो प्योरिटी बना रहे कि हाँ हम लोग अच्छा मसाला यूज़ कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जब खाने में बना रही हूँ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को फ्रेंड्स को खिला रही हूँ तो अच्छा खिला रही हूँ। जैसे कि अभी बाहर अगर हम लोग कुछ भी पाउडर वगैरह मसाला ले आते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता है खाना, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं यही प्रिफर करती हूँ कि घर में जितना मसाला मुझसे बन सके मैं वो सब बना लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ जीरा पाउडर बनाने। तो पहले मैं जीरा को धो के रख ली हूँ, अब इसको लो टू मीडियम में इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करके जब इसमें से सौंधी स्मेल आएगी तो मैं इसे ठंडा करके पीसूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही घर में ही ट्राई करें, जब भी आपको टाइम मिले तो ये सब मसाले आप लोग घर में पीस के रख लीजिए, ताकि आपको भी ये सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ आप मसाला बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो, आपके मसाले में वो प्योरिटी है। और हाँ, जो भी हम अगर ऐसे मसाले डालते हैं घर में पीसा हुआ तो उसका कलर टेक्सचर एंड स्मेल अलग ही आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो आप लोग ये एक बार ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और। तो फ्रेंड्स अपने जीरा को आप लो टू मीडियम में ही भुने, ज़्यादा तेज आंच ना करें, क्योंकि तेज करेंगे तो वो जल्दी ऊपर से जल जाएगा और फिर मसाला भी उतना आपका खास नहीं बनेगा, जला जला स्मेल आएगा। तो लो टू मीडियम में, हाँ थोड़ा सा लेट होता है ऐसा बनाने में, मगर जो स्मेल आती है बनाते समय, जो अच्छा हेल्दी खाना बनता है उसको पूछिए मत। ये देखिए मेरा जीरा हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस इस मोमेंट में मैं अब इसे निकाल दूंगी। और प्लीज़ आप इसे निकाल के तुरंत इसको पीसे ना, क्योंकि तुरंत पीसेंगे तो एक तो हमारा जार खराब हो जाएगा और दूसरा है कि इसमें गरम गरम में थोड़े से तेल ऑयल रिलीज वाला यूज़ कर रही हूँ धनिया। तो इसे भी मैं ऐसे ही लो टू मीडियम में भून लूँगी। और ये सब मैं अपने डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, डेली किचन में, तो ये सब मस्ट है मुझे कि मुझे चाहिए, मेरे हाथ का ही चाहिए। ये मैं जाती हूँ मार्केट से आधा किलो एक किलो लेके आ जाती हूँ और फिर मैं इसे ऐसे भून के ठंडा करके पीस के रख लेती हूँ। 1 मंथ मुझे जाता है ये, और खाना मेरा टेस्टी बहुत बनता है, अच्छा बनता है, सब लोग की तारीफ़ें मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ऐसा यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स देखिए धनिया भी इसी तरीके से भून लीजिए, लो टू मीडियम में ही भूनना है, हमें हाई फ्लेम नहीं करना है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और ये बहुत हेल्प करता है हमारे मसालों में, ये मसालों में बहुत मीन्स जान डालता है अगर हम धनिया ऐसे भून के डालो। और इसे भी मैंने धो के सुखा लिया है, हर चीज़ मैं धो के सुखा लेती हूँ तभी मैं डालती हूँ, क्योंकि मार्केट से आता है तो पता नहीं कौन पैर के नीचे रखते हैं या फिर कैसे हाथों से छूते हैं, तो मैं मोस्टली जो हो सके वो मैं धो लेती हूँ, धो के सुखा लेती हूँ उसी के बाद यूज़ करती हूँ, या फिर जो नहीं हो सके, जैसे आप बोलेंगे कि हाँ शक्कर को क्या करते हैं, तो नहीं करते, शक्कर को नहीं धोते ना तो वो गल जाएगी शक्कर। तो चलिए बात करते हैं मसालों की। ये मसालों को हम लोग अगर हम घर में ही पीस के बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है, आप भी बनाइए, कोशिश करिए, आपको भी बहुत तारीफ मिलेगी। तो भून लीजिए धनिया को लो टू मीडियम, ये मेरा दूसरा मसाला है जो कि हमें समय समय पे काम आते रहता है, मसालों में सब्ज़ी में, बहुत सारी सब्ज़ी में काम आता है,
मैं तो मोस्टली हर एक सब्जी में ही डालती हूँ धनिया पाउडर, इसलिए मैं इसे भून के पीस के रख लेती हूँ। ये मेरे किचन में कंपलसरी रहता ही रहता है, धनिया पाउडर हो, जीरा पाउडर हो, या गरम मसाला हो, काली मिर्च पाउडर हो, तो ये सब मोस्टली मैं पीस के ही रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा धनिया भी हो गया है, इसमें से भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है, यानी इस मोमेंट में ये बन चुका है, अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ। यह है मेरा गरम मसाला। ये गरम मसाले में मैं रखी हूँ इलायची, काली मिर्च, लवंग, बिरयानी फूल, शाहजीरा, दालचीनी, और मैं लूँगी थोड़े से तेजपत्ता, और ये है नटमेग। नटमेग यानी इसे कहते हैं जायफल, तो मैं इसे भी डालूँगी। तो चलिए, और आँच मेरा लो टू मीडियम में ही है, मैं और तेज़पत्ता डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से भून लीजिए आप। और जायफल तो ऐसे सहगा नहीं डालूंगी, उसे कद्दूकस करके डाल दूंगी। तो इसे भी भून लेते हैं, अच्छी खुशबू आने तक इसे भी भून लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मगर थोड़ा होने का है ये, अभी थोड़े से कड़क नहीं हुए हैं मेरे तेज पत्ते, थोड़ा और भूनूंगी मैं ऐसे। ये मसाला तो बहुत कंपलसरी है हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली बनते ही रहते हैं चना मसाला, छोला, राजमा, पनीर, पुलाव, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बनाने को बोलते हैं, डिमांड आते रहता है डेली कुछ ना कुछ। अगर एक दिन दाल चावल बना दो तो फिर बोलते हैं कि फिक्का खाना बन गया, आज फिक्का खाना बन गया। तो मैं ये इसे भी कंपलसरी अपने किचन में रखती हूँ अपने मसालों में, कि कभी भी मुझे झटपट सा बनाना हो तो फिर दुकान भागना ना पड़े, शॉप बस घर में ही मिल जाए हर मसाला मुझे। तो इसे आप भी बनाइए और स्टोर करके रखिए, आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप कोई भी मसाले, कोई भी मसालेदार सब्ज़ी में आप डाल सकते हो इसे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई चेंजेस हो, या फिर आप ऐसे बना रहे हो तो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, मेरा मसाला हो गया शायद, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है क्रैकलिंग की, यानी ये अब हो गए हैं। अब इसे ठंडा कर लेती हूँ। मेरा जीरा वैसे तो ठंडा हो गया है, वो पीसने लायक हो गया है। चलिए मैं उसे पीस के साइड रख लेती हूँ, तब तक ये भी ठंडा हो जाता है। और आपको जल्दी जल्दी करना हो तो आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हो ठंडा करने के लिए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर सब मसाले पीस के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मसाले मेरे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं जायफल है इसे भी कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, तो आप ज़्यादा मत डालें, थोड़ा डालें, क्योंकि जायफल बहुत हीट होता है, और वैसे ही हमारे सारे मसाले बहुत गर्म हैं, और जायफल उसमें से ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म जायफल होता है। तो इसे बस मैं थोड़ा सा 1/4 डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो बस इनफ। बस देखिए इतना सा मैंने डाला है, शायद ब्लर दिख रहा है, ये देखिए बस इतना सा मैंने डाला है। चलिए अब इसे ठंडा कर देती हूँ मैं, और फिर पूरे सारे मसाले पीस लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जीरा मेरा ठंडा हो गया, मैं हाथ से छू सक रही हूँ, यानी ये ठंडा हो गया, ये पीसने के लिए रेडी है अब। और धनिया देख लेते हैं, धनिया बस लाइट ठंडा होने का है, ये भी हो जाएगा मेरा जीरा पीसने तक। और ये तो बस अभी लाई हूँ, तो ये अभी गर्म है, ये इसे ठंडा होने देते हैं, ये दोनों पीसने तक वो ठंडा हो जाता है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेरा जीरा पाउडर कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे प्लेट में ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि पीसने के बाद थोड़ा सा पाउडर गर्म हो जाता है,
तो मैं इसे ऐसे ही जार में नहीं रखूँगी, एयर टाइट कंटेनर में। इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी और फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, प्लीज़ श्योर ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मैं पीस लेती हूँ धनिया। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे तीनों मसाले पीस के रेडी है। ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, देखिए। तो चलिए मसालों का काम हो गया है, बस जस्ट आधा घंटा लगा है मुझे। अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने, फिर मैं मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग चाय वाय सब पी लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ किचन में। देखती हूँ ये जब से किचन में बैठे हैं क्या कर रहे हैं। 5 मिनट हो गया, क्या हो रहा है किचन में मेरे? कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना, पहले ही मेरे पास बहुत सारे काम है। नहीं नहीं, ये जो सुबह मोनू से नीम के पत्ते मंगाया था देखो। हाँ वो नीम के पत्ते को जो उबाला था ना मैं जी, तो वही अभी ठंडा करने का, ठंडा हो चुका है ये, ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसको बॉटल में भरने जा रहा हूँ। करना क्या है इसका? अच्छा हाँ, तुम्हें बताया था ना मैं कि आजकल प्लांट से पूरे कीड़े लग रहे हैं बारिश के सीजन में। अच्छा कलर आया? हाँ ग्रीन कलर आया। तो बारिश के सीजनों में कीड़े आ जाने की वजह से उसमें ना कीटनाशक इंसेक्टिसाइड मारना पड़ता है। अच्छा। तो मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर लेकिन मैं उसे प्रिफर नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज प्रिफर नेचुरल थिंग्स, और ये बेस्ट है और फ्री में हो जा रहा है। अननेसेसरी पैसे क्यों खर्च करूँ मैं? सही है। अगर तुम लगाओगे वाला इंसेक्ट यूज करोगे तो कोई अगर बच्चा टच कर ले तो उसको पॉइजन का इफेक्ट हो सकता है ना। सो बेटर वी शुड यूज नेचुरल थिंग। सही है। मैं पहले क्या करता हूँ उसको बॉटल में भर लेता हूँ। ओके एक मिनट रुको यार, ये है मेरा स्प्रे कैन बॉटल, ठीक है। इसको मैं फिल करने के लिए ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, थोड़े ये पत्तियां साइड में रख देता हूँ, ठीक है। देखिए कलर कैसा आ गया है, एकदम कड़वा पानी है ये। तो ये यूजफुल है प्लांट्स के लिए? एकदम यूजफुल है, लेकिन एक गर्म होने के बाद आपको ठंडा करना है। अगर आप गर्म ही यूज करेंगे तो पेड़ आपके खराब हो जाएंगे। अच्छा। जल जाएगा एकदम ठंडा ना, मतलब इतना गर्म करो कि पानी उबल जाए, उबल के पूरा उसका जो पत्तियों का जो रस है जूस है पूरा वाटर मिक्स हो जाए। दिख रहा है ना, देखो सब कलर मिक्स हो गया ना। मैं बॉटल में भर रहा हूँ धीरे धीरे, पकड़ लेती चलो ये मेरा हो गया तैयार, बाद में थोड़ा बाद में डालूंगा। ओके तो इजी हो गया। हाँ देख लीजिए, ये मेरा है कीटनाशक इंसेक्टिसाइड जो मैं अब उसको स्प्रे करने वाला हूँ। कुछ कुछ देखिए ऐसे स्प्रे मारिए हर तरह से, इसमें छोटे छोटे सफेद तरह के कीड़े आते हैं। ये मेरा इंडोर डायफेनबाकिया प्लांट है, अच्छा फ्रेश प्लांट है। नीचे से भी करिए इसको स्प्रे, ये सब प्लांट्स हैं, इन सबको भी डालना है होगा। डाल रहे हैं, देखो कितने अच्छे फ्रेश हो जाएंगे अभी ये। इसे तो पानी के छिड़काव से थोड़े लोग फ्रेश फील भी करते हैं। अच्छे से करिए, कहीं छोटे ना, क्योंकि कभी कभी तो लगता है ये, हर समय थोड़े ना मारते हैं स्प्रे। थोड़ा मिट्टी पे भी गिरा तो कोई इसका नहीं, नेचुरल है ना, सो नो साइड इफेक्ट। ये मेरा मनी प्लांट, ये मेरा क्रासुला। आपका मनी प्लांट काफी बुशी हो गया, बहुत छोटा था, बहुत कम था। दिस इज माय क्रासुला, ये है सेकंड क्रासुला, ये भी है। ये देखिए कितना बुशी है, केयर करने से। ठीक है, इस प्लांट का नाम बोलो नीला। कलेशिया फ्रैग्रेंस। कलेशिया फ्रैग्रेंस, ये सब फॉरेन ब्रीड्स हैं, इंडियन के ब्रीड्स नहीं थे। कितना बड़ा हो गया ये, मेरा टेस्ट लेते रहते हैं। चलो एनी हाउ मैंने स्प्रे मार दिया है, 1 महीने की छुट्टी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए इस चीज़ का। मैं बताऊँ ना, 100% इट इज़ वर्थफुल।
ये काम में आने वाली चीज है। ओके।